The next topic is revolution. Apart from being spinning on its axis, the earth also revolves around the sun. एक ही जगह पर गोल गोल घूमती है, स्पिनिंग करती है अर्थ, आपको पता चल गया. नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट, उसके अलावा अर्थ क्या करती है? सूरज के चारों तरफ घूमती है. इसको क्या कहते हैं? रेवोल्यूशन. दिस पाथ इज कॉल्ड ऑर्बिट. ये जो रास्ता है इसका घूमने का, उसको क्या कहते हैं? एक फिक्स रास्ता है ये, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिट. इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. और ये कितना समय लेता है? इट टेक्स 365 1/4 days टू कम्प्लीट वन पाथ. एक पाथ को कम्प्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 365 1/4 days. This is called revolution. 365 1/4 days are equivalent to 1 year. 365 days किसके बराबर होते हैं? एक साल के बराबर. तो पृथ्वी को सूरज का पूरा सर्कल ऑर्बिट पे करने में कितना टाइम लगता है? 1 year. ओके, रेवोल्यूशन से क्या क्या होता है? रेवोल्यूशन से क्या क्या होता है? इट कॉजेज सीजन्स. रोटेशन से क्या होता था? डे एंड नाइट. और रेवोल्यूशन से क्या होते हैं? सीजन्स. सीजन्स मतलब मौसम. द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड. ये जो एक्सिस है अर्थ का, ये थोड़ा सा टेढ़ा है. व्हेन इट रिवॉल्व्स द पोर्शन ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द सन कॉजेज और एक्सपीरियंसेस समर सीजन. जब ये घूमता है और ये घूमता है, तो जो पोर्शन सन के फेसिंग होता है, जैसे ये कंट्रीज़ जो सन के फेसिंग है अर्थ की, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर समर सीजन होगा. और जो पीछे पोर्शन रह गया उसके ऑपोजिट साइड, वहाँ पे क्या होगा? विंटर सीजन. ओके, द पोर्शन ऑफ द अर्थ विच इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द सन एक्सपीरियंसेस विंटर एंड हैज़ शॉर्टर डेज. समर सीजन्स में क्या होते हैं? लॉन्गर डेज होते हैं. और विंटर सीजन्स में क्या होते हैं? शॉर्टर डेज होते हैं.